हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने वो टॉपिक लेकर के आए हैं जब आप उस अवस्था में हैं, यानी उस सिचुएशन में हैं जब आपको मूव ऑन करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे। देखिए, कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत टाइम ले चुका होता है, यानी कि किसी का रिश्ता 8 साल से चल रहा है, 4-5 साल से, या फिर इससे भी ज़्यादा लंबा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा। इवन 2-3 साल के रिश्ते या फिर 6 महीने के रिश्ते में भी ये ब्रेकअप की सिचुएशन आ जाती है जहां आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। देखिए, रिश्ता चाहे जितना पुराना हो और चाहे जितना नया हो, चाहे उसने ज़्यादा समय लिया हो या फिर कम लिया हो, अटैचमेंट तो होता है। पुराने रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है जहां पर मूव ऑन करना मुश्किल है। देखिए, अब आप इस स्टेज पर हैं जहां आपको मूव ऑन करना है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जब आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो पहले ये सोचिए कि आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। पहली चीज़ ये है कि आप पिछले 8 सालों में या जितने भी सालों में आपका रिश्ता रहा है, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और वो वर्क नहीं किया है। आपको अगले इंसान का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगला इंसान आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा है, वो भी इसी मूड में है कि आप मूव ऑन करें। तो जब परिस्थिति ऐसी है, वहाँ पर मूव ऑन करना ही सबसे उचित है और सबसे स्मार्ट डिसीजन है। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसे कैसे कर ले, इतना आसान है क्या? ये आसान नहीं है। जी हाँ, ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचने की बजाय कि हम मूव ऑन कैसे करें, ये इतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मैंने बहुत समय दिया है, मैं उससे बहुत अटैच्ड हूँ, ये सोचने की बजाय प्लीज़ मुश्किल ज़रूर है, पर ये सोचिए कि अगर मैं इस रिश्ते में पड़ा रहा अगले के ना चाहते हुए भी, तो मैं क्या खो दूंगा। जी हाँ, अगर आप उस ज़बरदस्ती के रिश्ते में पड़े रहे, कोशिश करते रहे और आपने मूव ऑन नहीं किया, तो आप अपनी हेल्थ खोएंगे। अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो ठीक है, जाइए डिप्रेशन में। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आप अपनी फैमिली से अपने रिश्ते ख़राब कर लेंगे और आप सोसाइटी में बिल्कुल ही कटे कटे से रहने लगेंगे, जिस जो कि आपका बहुत ही बड़ा लॉस है। तो आप ये सोचिए कि अगर उस रिश्ते में जो 5 साल का 6 साल का रिश्ता है, क्या वो इतना वैल्यू रखता है, या उस रिश्ते के लिए क्या आप अपने आगे आने वाले 10 साल ख़राब करना चाहेंगे? और आप ख़राब कर देंगे। अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो आप वो आगे के 10 साल तक आप डिप्रेस रहेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, आप साइकाइट्रिस्ट से मिलेंगे, करते 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 ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम आप वेस्ट कर देंगे। और अंत में क्या होना है? अंत में होना वही है कि आपको मूव ऑन ही करना है, चाहे आप अभी कर लें, चाहे आप ज़िंदगी के 10 साल वेस्ट करके करें। देखिए, आप किसी से डिस्कस भी करेंगे तो वो यही कहेगा कि ठीक है, हो गया, मूव ऑन कर जाओ, और आप उससे हमेशा यही कहेंगे, यार ऐसे कैसे कर दूँ, इतना आसान नहीं है। और हम ये जानते हैं कि ये आसान नहीं है, बट जो मॉरल है, जो कंक्लूजन है, दिमाग में एक लाइन ये रखिए कि आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और अब आपको मूव ऑन करना ही करना है। तो अगर आज कर लें तो बेटर है, अपना अगर आप आगे करेंगे तो आप बहुत कुछ वेस्ट कर चुके होंगे, अपना समय बर्बाद कर चुके होंगे, अपना शरीर, अपना मस्तिष्क सब कुछ डैमेज करके, अगर आप मूव ऑन करें भी तो क्या करें। तो समझदारी इसी में ही है कि जो रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है, जिस रिश्ते में आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, आप बहुत टाइम दे चुके हैं, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, वर्क नहीं कर रहा है, स्मार्ट डिसीजन इसी में है कि आप मूव कर जाएं, मूव ऑन करें और बाउंस बैक मत करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपको वापस नहीं जाना है और कोशिश नहीं करनी है कि वो रिश्ता फिर से पनपे या सब कुछ ठीक हो, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। जो भी रिश्ता इस सिचुएशन तक पहुंचता है कि आपको मूव ऑन करने वाली सिचुएशन में डाले, वो दोबारा नहीं बनता है, ये परम सत्य है। ये आप अपने दिमाग में डाल लें कि अगर किसी ने आपको इस सिचुएशन में डाला है कि आप मूव ऑन करें, ब्रेकअप करें, वो रिश्ता दोबारा नहीं बनता। और जो रिश्ता दोबारा बन नहीं सकता, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अपना टाइम वेस्ट करना और उसके बारे में फिर से उसको नए सपने बुनना बिल्कुल ही वेस्ट है। इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस एक थॉट दिमाग में लाएं कि मूव ऑन करना ही है, चाहे मैं आगे करूं, चाहे अभी, तो अभी क्यों नहीं। और मूव ऑन करने के बाद आपको ऐसा रियलाइज़ होगा जैसे कि आप एक जेल से छूट गए हैं,
आप आज़ाद हो जाएंगे और आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है मूव ऑन करने के अलावा, आपको करना ही करना है। अगर आप वो करते हैं तो आगे आपके सामने बहुत सारे और दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारे और ऑप्शंस आएंगे, आपको बहुत सारा काम अभी ज़िंदगी में करना है। तो केवल एक रिश्ते में पड़ के या केवल एक सिचुएशन की वजह से वो चीज़ें डैमेज ना करें जो आप हासिल कर सकते हैं, और अपने जीवन का आगे का पड़ाव बर्बाद ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं कोशिशें कर करके, अपनी तरफ से बेस्ट दे करके। तो अब टाइम ख़त्म हो गया, ये सिग्नल है, ये सिचुएशन एक सिग्नल है कि अब मूव ऑन कर जाओ, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, मूव ऑन करने में ही आपकी भलाई है। और ये बहुत आसान है अगर आप ठान लें, अगर आप ठान लें कि मुझे मूव ऑन करना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है कि हम बात करेंगे या ये करें, बस आप ये सोच लें कि हमें मूव ऑन करना है। ये एक थॉट आपको मूव ऑन करने में बहुत 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 हेल्प करने वाला है। तो बस मूव ऑन करना है तो उसी विषय में काम करें, उसी को सोचें और उसी पर काम करें और मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ आपके सामने ओपन है, बहुत कुछ अचीव करने को लाइफ में है, और लाइफ को बनाने के लिए आपके पास जो समय है वो यही है जो आप वेस्ट करने वाले थे। तो ट्राई कीजिए, मूव ऑन करिए, ये इजी नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन अगर आप इस परिस्थिति में हैं तो सिर्फ एक थॉट के साथ कि मैं आज मूव ऑन कर जाऊँ तो अच्छा है इस इंसान के लिए या इस रिश्ते में, मैं आगे के और साल वेस्ट नहीं करूँगा, बस इस थॉट के साथ आप मूव ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरे बाकी के वीडियोस इंस्पिरेशनल लग रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे कमेंट के थ्रू ये शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सुझाव हैं, आपकी क्या राय है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।